जैसलमेर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रूपाराम मेघवाल ने जैसलमेर शहर में धन्यवाद यात्रा का आयोजन कर आम जन को भारी बहुमत से जिताने के लिए धन्यवाद जताया तथा आम जन को विकास और जन समस्याओं के लिए निराकरण का आश्वासन भी दिया। जैसलमेर विधानसभा शहर की जनता हमेशा से बीजेपी पर भरोसा जताती रही है, मगर इस बार विधानसभा चुनाव में जैसलमेर शहर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी रूपाराम मेघवाल को तकरीबन 4500 वोटों से आगे रखा था। इसके मद्देनजर विधायक ने आज शहर की जनता का आभार जताया। स्थानीय सत्यदेव पार्क से लेकर हनुमान चौराहे तक निकाली इस धन्यवाद यात्रा का आमजन ने फूलों और मालाओं से विधायक को लाद कर शहर स्वीकार किया। इसके साथ ही आमजन ने विधायक को शहर की समस्याओं से रूबरू भी कराया, जिस पर विधायक ने शहर के विकास के लिए खुद को कटिबद्ध बताते हुए आमजन के सहयोग के साथ शहर की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर उम्मेद सिंह तंवर सहित कई कांग्रेसी दिग्गज नेताओं ने भी मेघवाल का स्वागत किया। तो शहर ने बहुत अच्छा किया, लोगों की इच्छा थी और ये एक रीत होती है कि भी जो कोई काम किसी का करता है, पार्टी के लिए मतदान दे के राजस्थान में राज बनाया, तो पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते मेरे जितने भी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता है उनके साथ पब्लिक को धन्यवाद दूं। शुरू से विधानसभा आ गई थी, उससे पहले बधाई देने वाले मेरे घर पे लगातार 20-25 दिन आते रहे तो मैं निकल नहीं पाया, तो मैंने शुरुआत धन्यवाद देने की जैसलमेर शहर से की है। तो जगह जगह मतलब कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि जितनी भी शॉप्स है, लोग आवत जाओ के ऐसे लग रहा है कि सब कांग्रेस ही है, जैसे मान लो भाजपा को किसी ने वोट दिए ही नहीं हो, तो किसी ने दिए थे वो भी मेरे ख्याल से लगता है कि आगे पार्टी के साथ जुड़ेंगे। तो मैंने प्रथम दृष्टया में सर्वे करके ऐसे काम छांटे हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में जल्दी कोशिश करेंगे कि आने वाले 1-2 महीनों में लोगों को राहत मिले। कुछ काम ऐसे हैं जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली है तो उनको भरने के लिए एक प्रक्रिया होती है, नए सिलेक्शन करना, तो प्रयास करेंगे कुछ स्टाफ से जो विशेषज्ञ है बाहर से लाएंगे, बाकी नई भर्तियां करा के सब विभागों में स्टाफ लगाएंगे। और उसके अलावा भी हॉस्पिटल में कई मशीनरी पड़ी है, काफ़ी टाइम से बंद है, कुछ विशेषज्ञ नहीं है, तो प्रयास किया जाएगा कि जनता की जितनी आकांक्षाएँ राज से हैं और कांग्रेस पार्टी से हैं उनका प्रतिनिधि मैं हूँ और मेरे जितने भी वरिष्ठ साथी नेता है, कार्यकर्ता है, वो सब शहर के अंदर और गांव में लगे हुए हैं, समस्या से अवगत कराते हैं, हम मिलके लोगों की सेवा कराएंगे और लोगों को जैसे समय बीतेगा एहसास होगा भी हमारी सेवा हो रही। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।